जोहार झारखंड, मैं ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पाकुड़ जिला, जो कि झारखंड राज्य का एक जिला है, झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, उन्हीं में से पाकुड़ एक जिला है, तो इस पाकुड़ जिला का मानचित्र का अवलोकन करेंगे। तो चलिए, पाकुड़ जिला के मानचित्र का अवलोकन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पाकुड़ जिला के मानचित्र का अवलोकन करते हैं। तो ये देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने खूबसूरत सा पाकुड़ जिला का अनुमानित मानचित्र बनाया है व्हाइट बोर्ड पर, और आप देख पा रहे होंगे कि पाकुड़ जिला में कुल जो है 6 प्रखंड हैं प्यारे दोस्तों। और आप सबसे पहले पाकुड़ जिला कि चौहद्दी को जब आप देखेंगे ना, और उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकुड़ जिला झारखंड के नक्शा पर पूरब की दिशा में स्थित है। मतलब आप दाएं हाथ की तरफ जब जाएंगे तो उधर ही पूरब होता है, किसी भी नक्शा पर वहां ही पूरब होता है, और वहीं पर पाकुड़ जिला स्थित है झारखंड के मानचित्र पर। तो चलिए, जब आप देख रहे हैं कि ये पाकुड़ जिला का खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र है, तब मैं आपको बताता हूं कि पाकुड़ जिला की चौहद्दी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अब देख पा रहे हमने उत्तर की दिशा में, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर की दिशा में साहेबगंज है। उसके बाद अब देखिए प्यारे दोस्तों, जब उत्तर की दिशा में साहेबगंज है, तो प्यारे दोस्तों अब आप देखिए कि दक्षिण की दिशा में क्या है। तो प्यारे दोस्तों, दक्षिण की दिशा में एग्जैक्ट कोई जिला नहीं है, लेकिन देखिए जब ये बीच वाला जो पोर्शन है, मतलब चलिए अब थोड़ा सा और उधर से देखते हैं, तो उत्तर की दिशा में साहेबगंज, और एग्जैक्ट मैं बताता हूं, और पूरब की दिशा में मुर्शिदाबाद है, जो कि पश्चिम बंगाल का जिला है, और साहेबगंज तो झारखंड राज्य का जिला है, लेकिन मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का जिला है, जो कि पूरब की दिशा में है, पाकुड़ जिला के पूरब की दिशा में है। अब हम बात करते हैं पूरब और दक्षिण की दिशा में, पूरब और दक्षिण की दिशा में, इस दिशा में बीरभूम जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल का जिला है, और ये दो पश्चिम बंगाल के जिला की सीमा को पाकुड़ जिला की सीमा साझा करती है। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, अब देखिए, और ये हो गया जाकर के पश्चिम। तो देखिए, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में, मतलब दक्षिण पश्चिम की दिशा में दुमका जिला है, जो कि झारखंड राज्य का जिला है, और झारखंड राज्य की उपराजधानी है। क्या दोस्तों, अब हम जब इस दिशा में बात करेंगे तो ये दिशा कौन सी है, आप देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की दिशा में गोड्डा जिला है, जो कि झारखंड राज्य का जिला है। तो जब आप ये पाकुड़ जिला का मानचित्र का अवलोकन जब आप कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पाकुड़ जिला कुल 5 जिला की सीमा को साझा करता है, जिसमें से 2 जिला मुर्शिदाबाद और बीरभूम, ये पश्चिम बंगाल का जिला है, और 3 जिला साहेबगंज, गोड्डा और दुमका, ये आपका जाकर के से झारखंड राज्य का जिला है। फिर दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा ढंग से देखा कि पाकुड़ जिला का मानचित्र कैसा है, पाकुड़ जिला का नक्शा कैसा है। देखिए, एग्जैक्ट नक्शा ये नहीं है, मैं इस बात को बोलना चाहूंगा, ये एग्जैक्ट नक्शा नहीं है, क्योंकि मैंने स्केलिंग करके इसे नहीं बनाया है, लेकिन एक खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र है। फिर दोस्तों, 6 प्रखंड
पाकुड़ जिला में है और एक अनुमंडल ही पाकुड़ जिला में है जिसका नाम पाकुड़ है। और लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर, पाकुड़, अमरापाड़ा, महेशपुर, पकुड़िया, ये छह प्रखंड पाकुड़ जिला में है। यह छह अंचल, ये अंचल भी है जो कि पाकुड़ जिला में है। प्यारे दोस्तों, जब हम मानचित्र को जब देख पा रहे हैं तो देखिए पाकुड़ जिला जो है ना पहले साहेबगंज जिला का एक अनुमंडल हुआ करता था, लेकिन ये जो है ये आपका अलग जो हुआ 28 जनवरी 1994 ईस्वी को पाकुड़ जिला साहेबगंज जिला से अलग हुआ था। 28 जनवरी 1994 ईस्वी को पाकुड़ जिला की स्थापना हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 1811 वर्ग किलोमीटर है। 1811 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और प्यारे दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाला था, बस मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाला था, मानचित्र से आपको रूबरू कराने वाला था, जो कि मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। और पाकुड़ जिला के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, मैं आपको पाकुड़ जिला के बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगा। और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है और वहां पर आपको मिलेगा पाकुड़ जिला का सामान्य परिचय, पाकुड़ जिला का सामान्य परिचय, तो आप वहां पर भी जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। तो लगभग 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिलाकर मैं उस वीडियो को बनाया हूं पाकुड़ जिला से संबंधित। चलिए, जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।